तुझ में समा जा, हम करते हैं बातें ए अजनबी, कर ले तू दोस्ती। लो भाई हम तो साइड से निकालेंगे, बहुत हो गया। अरे बाइक वाले कहाँ दबा गाड़ी, कहीं तो थोड़ी सी तो आगे लेके जाए। श्री राम जी ने ताड़का का वध यहीं बक्सर में किया था और हीरो तो वो जीत गया। आजा भाई आजा, रेस लगा रहा है क्या? कैसे जला हुआ है भाई पूरा। ओहो अरे बाइक के लेकिन बोलते हैं ना लोग सेफ्टी है टाटा की, बट ऐसे एक्सीडेंट हो। गुड मॉर्निंग भाई, टाइम देखो एग्जैक्ट 6 बज गए हैं और अपन तैयार हो चुके हैं नहा धो के मस्त एकदम निकलने के लिए। अच्छा नया दिन, नई सिटी होगी, नई स्टेट में होगी और आज तो दो स्टेट क्रॉस करनी है अपने को, पता है? दो स्टेट पता है? नहीं। चलो फिर निकलते हैं। यहाँ 4:45 मैं उठा था तो भाई दिन निकल गया था, तो क्योंकि हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो डे जल्दी निकलेगा यहाँ। तो भाई सूर्यदेव 6 कितने ऊपर आ गए हैं यार। बाकी होटल सही था यार, बढ़िया स्टे था, खाना भी सही था और आई थिंक 3,500 रुपये का रूम लिया होगा हमने विदाउट ब्रेकफास्ट। काफ़ी सही पार्किंग है भाई, बाहर भी है अंदर भी है। हो गया भाई सारा पैक, ये बड़ी मेहनत है गर्मी में। अब चलते हैं आजमगढ़ से। अब नहीं चलते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, खाना खाने या भूखे जाओगे? पूर्वी के करेगा फिर। भूख लग गई ना। अब ऐसा करेंगे ट्रिप ए को तो रीसेट नहीं करेंगे, ट्रिप बी को कर देंगे डेली रीसेट। इसको कर देते हैं रीसेट। चलो जी अपना होटल देवघर झारखंड 481 किलोमीटर, 9:30 तो गूगल दिखा रहा है। कल क्या था? कल हमको यही टाइम दिखाया था ना, 10 आवर्स दिखाया था गूगल ने और डिस्टेंस था 815 किलोमीटर और आज भी 9:30 दिखा रहा है और डिस्टेंस सिर्फ 481 है। तो मतलब भाई एक्सप्रेसवेज है नहीं, आज नेशनल हाईवेज पे से जाना पड़ेगा तो टाइम लगेगा भाई ऑल इन ऑल। बाकी सुबह आजमगढ़ तो खाली है, वो अपने सूर्यदेव बोलो हर हर महादेव शिव शंभु। अच्छा है ना एक्सप्रेस वे, सही बोल रहे हो भाई, बिल्कुल सही गए हो मुझ पे। लो भाई आजमगढ़ की गलियां और ब्रिजेस, अच्छा लग रहा है। यार ट्रैवल रोड ट्रिप्स का मजा ही अलग है, देख रहे हो? नॉर्मली बंदा कहाँ आता है ऐसे शहरों में, सुबह अपनी गाड़ी से घूम रहे हो गलियों में, मतलब रोड ट्रिप का मजा डिफरेंट है, अलग ही फीलिंग होती है। बाकी भाई आपको मैं अगर बताऊं तो हम लोग जा रहे हैं आज देवघर और अपना प्लान जगन्नाथपुरी जाने का है, लेकिन उससे पहले अपने भोले बाबा के एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि है देवघर झारखंड में और फोर्थ ज्योतिर्लिंग हो जाएगा और पहले बिहार आएगा और मोस्ट प्रोबेबली जितना मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, ज़्यादा पता नहीं है इस रूट का, तो बक्सर के आसपास हम बिहार एंटर करेंगे और फिर पटना के आउटर से निकल के झारखंड में एंटर करेंगे। तो सब कुछ नया रूट रहने वाला है अपने लिए, बट कोशिश ये रहेगी कि नेशनल हाईवेज पर ही चलें और मैं प्लान ऐसे ही करता हूँ सारे कि सुबह निकले टाइम से, जैसे अभी 6 हम निकल गए आजमगढ़ से और हम शाम को 6-7 मैक्सिमम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, क्योंकि सारे रूट्स नए हैं तो रिस्क लेना ही नहीं चाहिए रात को ट्रैवल करने का। रात को आप उन रूट्स पे जा सकते हो जो आपको पता है, आप बहुत बार ले चुके हो, जैसे हम लोग वडोदरा गए थे पूरी रात ड्राइव करके, है ना। अब यहाँ से मऊ के आउटर से निकलेंगे और बक्सर की तरफ बढ़ते हैं आगे, बिहार देखते हैं भाई बिहार। क्यों बिहार के लाला?
बाय। क्यों बिहार के लाला? लो जी अपना आज का पहला टोल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। भाई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे करीब करीब 80 किलोमीटर सपने को चलना है, पूरा मऊ बाईपास हो जाएगा। बाकी देखो रोड्स क्या जबरदस्त हैं, मॉर्निंग हो गई है, सूर्यदेव आ गए हैं, खाली हाईवे है, बिल्कुल मजेदार। भाई भाई एक चीज मैंने कल से नोट करी है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हम 267 किलोमीटर चल गए हैं और ये देख रहे हो टोरेंट सीएनजी, इन्होंने सीएनजी स्टेशन भी खोल रखा है पेट्रोल पंप के साथ साथ, वरना मतलब मिलते नहीं है। 267 किलोमीटर तक आपको मिल रहा है सीएनजी स्टेशन, 3 या 4 आए हैं। मतलब भाई सीएनजी गाड़ी से भी बढ़िया है, यहाँ के बंदे आराम से चल सकते हैं बिना टेंशन के। भाई डेवलपमेंट इंडिया की, भारत की, साथ में एक रोड चल रहा है, बाकी बीच में इतना टॉप लेवल का 6 लेन एक्सप्रेसवे है, क्या जबरदस्त लग रहा है, देखते जाओ। यही चल रहा है भाई कल से, हम 900 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं कल से और ऐसे ही रोड्स चल रहे हैं भाई, ऐसे ही। भाई सोचा एक बार रुक के आपको दिखाई दे कैसे कुछ खेत चल रहे हैं, देखो क्या बढ़िया लग रहा है ना, अलग अलग कलर, ब्राउन ग्रीन, क्या बढ़िया लग रहा है। पीछे देखो ट्रीज, फिर हल्की हल्की फॉगिंग दिख रही है, मस्त लग रहा है ना। बाकी कल बहुत गर्म था क्योंकि दोपहर थी, अभी सुबह हुई है। रुको फोटो खींच देता हूँ तुम्हारा, चलो बैठो भाई। इस पे ये टॉयलेट ब्लॉक्स तो बने हुए और इन पे शायद कुछ ब्रेड पकौड़ा टाइप मिल जाए जैसे कल अपन ने खाया था, तो देखते हैं अगर वो मिल गया तो यार उसी से काम चला लेंगे। कुछ नहीं मिला भाई, एज एक्सपेक्टेड चाय के ऐसी बात खाने का जुगाड़ चाहिए सुबह सुबह। बाकी ये गाड़ी फरीदाबाद वाली है भाई, बलेनो देख ली मैंने। और इतना कितने मकोड़े कैसे लड़ाई कर रहे हैं? मकोड़े? मोटू है। भाई फाइनली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अपना हो गया है खत्म। 350 किलोमीटर का था भाई, पूरा कंप्लीट किया है हमने और अब अपने फेवरेट नेशनल हाईवे पे चलेंगे हम, NH-31, और होप करते हैं कुछ खाने को मिल जाए। 335 किलोमीटर प्लाजा। हेलो जी, एज एक्सपेक्टेड बक्सर वाला एग्जिट लेना है 1 किलोमीटर। भाई साहब आ गए नेशनल हाईवे 31 पे। ये कैसा नेशनल हाईवे है भाई? तभी टाइम ज्यादा लगा रहा है, 18 किलोमीटर इसी पे रहना है, फिर NH-922 बॉर्डर के आसपास है हम, यूपी बिहार बॉर्डर। और लाइफ में फर्स्ट टाइम बिहार में एंटर करेंगे, वो भी अपनी गाड़ी से। शाबाश बेटा। और वो एक्सप्रेसवे अच्छा लगा कि ये रोड? ये देखो है ना मस्त, क्या पेड़ों के बीच में से रास्ता जा रहा है, लेकिन टाइम जरूर लगेगा ज्यादा, बट यार बढ़िया रास्ते लगते हैं ऐसे। ज्यादा एक्साइटिंग रास्ता हो गया भाई ये तो, नेशनल हाईवे के नाम पे बिल्कुल ही 2 लेन है भाई। बिहार और यूपी का बॉर्डर बस आने वाला है 7 किलोमीटर में, काम में खड़े हैं बिल्कुल। यूपी बिहार बॉर्डर, ये गंगा जी है, इसके उस तरफ जाना है अपने को ब्रिज क्रॉस करके, और उस तरफ है बक्सर। देखते हैं यहाँ से जगह, यहाँ से तो यहाँ निकल सकता हूँ मैं, लेकिन यार यहाँ निकलेगी भाई जगह नहीं है।
लो भाई अब तो साइड से निकाल के बहुत हो गया। अरे बाइक वाले कहाँ से घुस रहा है भाई, वो भी बिना मतलब वह गाड़ी कहीं तो थोड़ी सी तो आगे लेके जाए। देखे बिना इस ट्रक के बीच में घुस जाने। अरे भाई सभी हमें जान दो, बहुत देर हो गई लगे हुए यार। ये हम अब उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं और पहली बार बाय रोड बिहार में आपका स्वागत है। अब गंगा जी के दर्शन और कर लेते हैं भाई। बक्सर इज 4 किलोमीटर, ये नदी क्रॉस करके बक्सर ही आता है और यहीं पे वाल्मीकि जी का आश्रम था, है ना, विश्वामित्र जी का आश्रम था महर्षि, और श्री राम जी को फिर वो लेके आए थे राक्षसों को मारने के लिए, क्योंकि उनको वो तपस्या यज्ञ वगैरह नहीं करने देते थे। तो श्री राम जी ने ताड़का का वध यहीं बक्सर में किया था। और गंगा नदी है ना यहाँ पे, तो यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है, बहुत फर्टाइल सॉइल है। और कमाल देख रहे भगवान जी का, अयोध्या से बक्सर आए थे वो आश्रम में, और भाई पैदल आते होंगे उस टाइम। तो अहिल्या देवी जी का आश्रम भी बक्सर में है, मतलब काफी कुछ है बक्सर में, पता नहीं था अपने को ज्यादा। गंगा रिवर हर हर सी जैसी है भाई गंगा जी, बहुत बहुत ही विशाल नदी है। क्या बोल रहे हो, यमी यमी पानी होता है गंगा जी का और क्या? नहीं नहीं सी सी नमक वाला पानी, इसलिए ना। अजीब जानवर है भाई, हम लोग गंगोत्री गए हुए हैं, तो गौमुख ग्लेशियर से गंगा जी का उद्गम है ना, तो वहां से और हम फॉलो करते करते गंगा जी को बिहार तक आ गए हैं। इतनी चौड़ी रिवर है, देखो चौड़ी रिवर जो है, नीचे भी लोग भी गए हुए ना, नहा रहे हैं। अरे घाट है, पूरे बीचेस टाइप घाट बने हुए हैं भाई। पुल पानी में कैसे लगा देते हैं? हाँ लगा देते हैं, वो तो सीमेंट का भेस है उनका। हाँ बहुत, कितने ट्रक्स की लाइन लगी पड़ी है, तो हम सही टाइम पे आ गए, वरना तो भाई यहाँ तो जाम में फंसेंगे यार, रिटर्न में वापसी में हो सकता है। ये देखो अब पीछे बहुत सारे पहाड़ भी थे। हाँ गंगा जी के दर्शन अच्छे से हुए, पहाड़ दिख रहे हैं। आगे भाई पटना 123 किलोमीटर, तो हमें पटना के आउटर से ही जाना है, बक्सर हम पहुंच गए हैं, तो अब यहां से लेफ्ट लेंगे और नेशनल हाईवे 922 पे चलेंगे, और अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इच्छा स्थली महर्षि विश्वामित्र की का आश्रम था, तो श्री राम और लक्ष्मण जी ने यही ली थी ना पूरी शिक्षा। तो भाई क्या बात, क्या बात, यही तो मजे हैं यार रोड से घूमने के। आप उड़ीसा डायरेक्ट जाओगे फ्लाइट लेके, कुछ नहीं देखोगे रास्ते में, हम सब कुछ एक्सपीरियंस करते हुए जा रहे हैं मजे से। क्यों जी टॉयलेट आ रहे हैं एकदम, इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आज का अपना थर्ड टोल है, खाने को ढाबा नहीं है, टोल भरपूर है, भरपूर, बस ढाबा मिल जाए ढाबा। भाई दिखा एक माधुरी जी के हाथों का खाना खा लेते हैं प्रतिष्ठान रेस्टोरेंट, कुछ मिल जाए पराठा चाय तो बस हो जाएगा काम अपना। ये ढाबा है भाई, आलू पराठे बना देंगे बढ़िया से, लड़के खाएंगे आलू पराठे फिर चाय भाई पी के चलेंगे। अब चलो भाई हो गया ब्रेकफास्ट अपना, एक एक पराठा खाया, काम चलाऊ सा था, बट कोई नहीं, यहाँ पे कुछ लग्जरीज नहीं मिलेंगी, यहाँ तो एसी भी नहीं मिलता किसी ढाबे पे रेस्टोरेंट पे, फैन भी नहीं होता सही में, मतलब एसी तो छोड़ो फैन भी नहीं है। पटना 110 R60 और
27 और रोड इतना जबरदस्त है ना, नेशनल हाईवे 922, लेकिन बंदे देखो आप, ये देखो ऐसे बंदे देखते भी नहीं है रोड क्रॉस करते हुए। बाकी भाई जबरदस्त रोड बना हुआ है और 100 की स्पीड लिमिट है, शायद मुझे याद भी नहीं है कि कोई और नेशनल हाईवे पे 100 की स्पीड लिमिट है, जनरली 80 और 90 की स्पीड लिमिट होती है, बट यहाँ पे 100 की है। NH 922 बहुत ही तगड़ा रोड है, बहुत ही तगड़ा। बाकी भाई बाइक वाइक वाले और लोग ना ऐसे कहीं भी घुस जाते हैं, यहाँ पे ध्यान से चलना है। खत्म ड्राइवर है ना भाई साहब ये, खासकर ये लेके जो चल रहे हैं ना यहाँ, एक बड़ी गाड़ी के नाम पे यहाँ स्कॉर्पियो क्लासिक ही है भाई, अभी ठोक दी होती इसने यहाँ, मतलब पता नहीं बातें करते हुए चल रहे हैं क्या करते हुए चल रहे हैं भाई साहब। अब मैं हॉर्न दे रहा हूँ और अपनी लेन में चल रहा हूँ, एकदम घुस गए, बहुत ही बुरा हाल है भाई, बहुत ही बुरा हाल, मतलब बिल्कुल ख़त्म ड्राइवर, जीरो नंबर भाई, नील बटे सन्नाटा है ये, कितनी बड़ी गाड़ी ले लो और कितने बड़े हॉर्न लगा लो, लाइटें लगा लो ऊपर, नील बटे सन्नाटा। भाई आ गया फोर्थ टोल अपना दिन का, सोन रिवर भाई, इसका भी मतलब बेसिन तो बहुत ही चौड़ा है, बहुत ही एक्सट्रीम चौड़ी है, तो वो जा रही भाई साइड से देखो नज़ारे, ट्रेन रेस लगाएगा भाई, अबे साले वो गया, देखो हीरो तो वो जीत गया, आजा भाई आजा, रेस लगा रहा क्या नहीं। ये रॉन्ग साइड आने का बड़ा कल्चर है यार, यहाँ कोई भी कहीं से घुस जाता है। ट्रेन हमारे साथ साथ चल रही है ब्रिज पे से, हम 90 पे चल रहे हैं, ट्रेन भी उसी स्पीड पे चल रही है। भाई ये देखो बोर्ड पढ़ो, NIT पटना, ये लेफ्ट में जो दिख रही है वाइट कलर की बिल्डिंग, आपको पीछे अगर दिख रही हो कैमरे में तो ये NIT का कैंपस, और बहुत बड़ा है भाई, पीछे तक फैला हुआ है, पटना के बाहर भाई है, मतलब आउटर में ही है ये, मेन सिटी के अंदर नहीं है। ओहो भाई अभी भाई भीटा क्रॉस किया है, बड़ा ट्रैफिक था यार, बहुत पतली गली है और ट्रैफिक पतला, बहुत ट्रैफिक था, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा पतला सा रोड था। वॉशरूम ब्रेक अपना टी ब्रेक ले लेते हैं, यहीं जाना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं है खाने पीने का, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं भाई, कुछ मिल ही नहीं रहा है। चलो सीधा तो पटना है, लेकिन अपने को सीधा नहीं जाना है, अपने को ना पटना बाईपास करना है, तो अपने को गूगल अंकल कह रहे हैं, गूगल आंटी कह रही हैं कि इधर से निकल लो तुम बेटा, हाँ रिंग रोड पटना मतलब बाईपास, ठीक है सही है, बिल्कुल सही है। देखो ट्रक कैसे जला हुआ है भाई पूरा, ओहो अरे बाइक के साथ एक्सीडेंट हो रखा था इसका तो, बहुत ही भयानक भाई, बहुत ही भयानक भाई, मान गए यार सही में, कमाल के ही रोड्स हैं सारे। अब ये बाईपास देख लो, ये भी नया बना हुआ है, पटना हमारे लेफ्ट में है पूरा, ये रिंग रोड है, जैसे लखनऊ रिंग रोड लिया था हमने, तो पूरा पटना शहर बाईपास हो जाएगा, और इतना ताबड़तोड़ बना हुआ है ज़बरदस्त, बस एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि रॉन्ग साइड बंदे आ रहे हैं खूब, बाइक वाले ट्रक वाले कोई भी और कहीं से घुस जाता है, जहाँ पे भी कट दिखेगा डाइवर्जन दिखेगी एकदम आ जाते हैं सामने। बिल्कुल 90 रुपये
कर दो स्टार्ट। हाँ जी देख लिया। थैंक यू भैया। चलो भाई पटना, पटना में भी टैंक फुल हो गया। 12.1 दिखाइए माइलेज आइए, 11.93 मतलब 12 की माइलेज आइए, 12 दिखाइए, इतनी देती है गाड़ी। टैंक हो गया फुल, अब अपन पहुंच जाएंगे सीधे झारखंड। रेंज 612 दिखा रही है। जय श्री राम भाई। अभी अपना डेस्टिनेशन 242 किलोमीटर बचा है और गाड़ी का तो पेट भर गया, बट अपना फ्यूल बाकी है और अपना फ्यूल चाय है। ये कोल्ड ड्रिंक ली थी भाई 200 ml की, ये ख़त्म नहीं हुई है सुबह से, अपने को चाय चाहिए अब। चलो लेट्स कंटिन्यू। क्या बोल रहे हो तुम? लेट्स डोंट कंटिन्यू। या गया भाई यहाँ से राइट में रहेगा जो काफी पॉपुलर है भाई, बोध गया। लेकिन अपन सीधे निकलेंगे यहाँ से, अपने को गया साइड नहीं जाना है क्योंकि हमें जाना है झारखंड। अगर हम डायरेक्ट भुवनेश्वर जा रहे होते तो शायद हमें यहाँ से गया की साइड जाना पड़ता। पर देखा भाई रोड के बिल्कुल साथ में ट्रेन चल रही है, प्लेटफॉर्म भी यही है, रोड भी यही है, चलते में चढ़ते हैं। खैर लोकल ट्रेन है ना ये, बट फिर भी कुछ स्टेशन तो हो भाई, कुछ नहीं है। दुनियावा बाजार है जगह का नाम। इस लड़के का ये वाइट कपड़े वाले का जूता देखो, इसका पैर आ गया था गाड़ी के नीचे, पैर निकल गया होता। हाँ उसको तो शूज निकल गया, पैर बच गया, वरना तो टूट गया होता इसका, तो भाई खेल हो जाता। ओ भाई साहब बच गया भाई, इसकी किस्मत थी आज जो बच गया। ऐसे ही चलते हैं भाई, इतनी संकरी जगह हो गई है कि निकलने की जगह ही नहीं है। देखो कुछ है ही नहीं, मतलब सीधा रोड पे रेलवे ट्रैक आ गया है। खराब रास्ता। जब से बिहार में घुसे हैं ना भाई, सुबह से ऐसे ही नज़ारे चल रहे हैं ऐसे ही। और वहाँ दूर देखो एक कोई फैक्ट्री है किस चीज़ की है पता नहीं, बाकी बिल्कुल ऐसे ही नज़ारे चल रहे हैं दोनों साइड ऐसे ही है। और रोड भी ठीक ही है, मतलब एक आधी जगह ही खराब आया, अदरवाइज तो तगड़ा ही रोड रहा है पूरा अभी तक। देखो क्या बढ़िया यार सीनिक सा रास्ता हो गया ना, ऑरेंज ट्री आ गए जैसे अपने बसंत कुंज में है भाई, पूर्वी बसंत कुंज आ गए। देखो कितना सुंदर रास्ता लग रहा है बिहार में, कभी सोचा था पटना जैसी जगह इतनी दूर गाड़ी में आओगे? नहीं देखा, कहाँ कहाँ घुमा दिया तुम्हें। यार रुक जो ऐसे सही है, वो भी सही है भाई, इसी पे रुकते हैं। अबे गुरखा के साइड में लगा दो। गुरखा के साइड में लगाऊं? बहुत अच्छी है। भाई एक ही गाड़ी है स्कॉर्पियो से ऊंची इस रेट में, देखो गुरखा। भाई चाय पीने रुके थे, चाय एंड में ली और यहाँ पे अपन ने फिर लंच कर लिया, अर्ली लंच मसाला दरबार। बहुत ही तगड़ी दाल तड़का थी, मज़ा ही आ गया। बाकी अभी 280 किलोमीटर हम सुबह से आए हैं और 202 बचा है, 5 बजे तक पहुँचेंगे। बट इसका खाना बढ़िया था। देखो भाई ये बोर्ड लगा हुआ, बिहार शरीफ 20 किलोमीटर है यहाँ से, शेखपुरा की तरफ बढ़ना है 72 किलोमीटर। बिहार में भी गोवा आ गया, गोवा। मुझे नहीं लग रहा था इतनी ग्रीनरी होगी यहाँ बिहार में, वो भी मई के एंड में, वरना तो स्टेट हाईवे लिखा था कुछ ये, वरना मॉनसून में तो भाई मजा ही आ जाता होगा यहाँ। भाई रास्ता तो बढ़िया बना है ही, व्यूज भी अच्छे हैं।
मतलब दोनों साइड देखोगे ना आप, नज़ारे बुरे नहीं है भाई यहाँ पे। यहाँ तो बस मौसम का कमाल चाहिए, एक वेदर अच्छा हो जाए, बारिश हो जाए, देखो बहुत ही बेहतरीन लगे ये। तो के अंदर जो रोड जा रही है वो भी काफी अच्छी बनी हुई है। हाँ इधर तो बनी हुई है काफी अच्छी खासी, बाकी है भाई बड़ी ग्रीनरी सी लग रही है, मस्त लग रहा है एकदम देख के। देखो सामने देखो गोवा आ गया, गोवा जबरदस्त हवा चल रही है, जबरदस्त। बढ़िया हवा चल रही है यार, मजेदार। किसी गाड़ी का टूट गया होगा, चलो फोटो खिंचाते हैं। बाबा छत पे नहीं नहीं बार बार नहीं, जैसे फॉर्च्यूनर के नक्के ढीले होते हैं ना, अपनी गाड़ी का भी है देखो, चलते चलते इसको भी चेक कराना पड़ेगा। बढ़िया भाई बढ़िया, मस्त हवा चल रही है, चलो चले। नेशनल हाईवे 33 पे आ गए हैं भाई हम, और पांचवा टोल है अपना दिन का। शेखपुरा जाना है अपने को, शेखपुरा इज लेफ्ट 70 किलोमीटर्स। आज में पूरा बिहार क्रॉस हो जाएगा भाई, पूरा बिहार स्टेट हम एक दिन में कवर कर लेंगे, यूपी से घुसे बिहार में और बिहार से फिर झारखंड में। स्कॉर्पियो बहुत है भाई बिहार में, और नई भी पुरानी स्कॉर्पियो तो है ही, स्कॉर्पियो क्लासिक बहुत है, वो तो सारी व्हाइट कलर की है। हाँ स्कॉर्पियो ऐसे ले, और जो नई स्कॉर्पियो है ना बहुत दिखी हमको बिहार में, और मैक्सिमम ब्लैक कलर की है, सब काली स्कॉर्पियो खरीद रहे हैं अब यहाँ। शेखपुरा पहुंच ही गए ऑलमोस्ट, और देखो बिहार में भी अपने को पहाड़ दिखा भाई, पहाड़ की चोटी पे मंदिर भी बना हुआ दिख रहा है मुझे कुछ, है ना, जाते होंगे ट्रैकिंग करके। अबे घोड़ा घाटी की तरह, हाँ घोड़ा घाटी जो जोधपुर में हम गए थे वैसे ही जाते होंगे, वैसे से ही पहाड़ है। सिकंदरा भगवान महावीर की धरती, ये देखो भाई सामने नज़ारे क्या अच्छे लग रहे हैं, पहाड़ दिल को सुकून दे रहे हैं गर्मी में ये। क्यों जी पूर्विक, बिल्कुल भी नहीं देख रहे, बिल्कुल भी नहीं देख रहे। नज़ारे देखो भाई नज़ारे, क्या सुंदर रास्ता, और अब तो साइड में अपने पहाड़ आ गए हैं भाई, अपने फेवरेट पहाड़ आ गए हैं अपने साइड में अब। वाह क्या जबरदस्त नज़ारे हैं भाई, और क्या ही रोड है, कमाल मज़ेदार भाई। ओहो क्या बात क्या बात क्या बात, ये हुई ना बात, कुछ बात मजेदार नजारे भाई, बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। अबे साले अच्छा देखो कितने ग्रीन पहाड़ है, कितने ग्रीन, बिल्कुल भी ग्रीन नहीं ऐसे है, पीक समर्स में ग्रीन है, कमाल की बात है। है ही नहीं कुछ भी नहीं है ये पहाड़, कुछ भी नहीं है, छोटे भी नहीं। क्या कहें पूछ
पूछो मत कहीं है हम, तू जहां है गरज वहीं है हम, क्या कहें पूछो मत कहीं है हम, तू जहां है गरज वहीं है हम, क्या कहे अपना हम नशीबो फराज, आसमां गग जमी है हम, क्या कहें पूछो मत कहीं है हम। देखा तो कुछ नहीं है हम, नहीं है हम, हमको नकारा जा मत ले ले तेरे ही नाम के। भाई जगह देखो यार, आप जगह ये देखो, क्या जबरदस्त ये गाड़ी अपनी। और वो अगर दिख रहा हो तो वहां अपना नीचे, ये अपनी गाड़ी भाई, जबरदस्त जगह है। ये आ गया, मौसम गर्म जरूर है बट हवा बहुत तेज चल रही है और मैं हैरान हूँ ये देखकर कि इतनी गर्मी में ये पहाड़ इतने ज्यादा ग्रीन है कैसे। बाकी भाई बढ़िया लगा वाले, इन्होंने रुक के यहाँ पे, अब चलते हैं, एक बारी कहीं ब्रेक लेना होगा तो लेंगे क्योंकि ढाई घंटे दिखा रहा है। कहाँ से गूगल रास्ता बता रहा है यार, पता नहीं यही असली रास्ता है क्या है बताओ। या तो एक गाड़ी सामने से आ जाए तो बस लग गया जाम, मार्केट लगी हुई है। दो ट्रक आ गए तो खेला खत्म है, दो ट्रक आ गए तो आ ही नहीं सकते ट्रक तो यहाँ। क्या लिखा है भाई, मंदार हिल कौन सा है, 134 किलोमीटर धनबाद 165, देवघर 65 बचा है सिर्फ। और मतलब सारे बिहार के गांव में से निकला है हम, छोटे मोटे सड़कों में से, गलियों में से, कूचों में से कुछ नहीं बचा है भाई। देखो पहाड़ों के बीच से रास्ता शुरू हो गया है, NH 333 किलोमीटर पहाड़ों के बीच में नहीं, पहाड़ों के ऊपर जाएंगे क्या? हाँ पहाड़ों के बीच से रास्ता लग रहा है मुझे। और 47 किलोमीटर है देवघर, बट अभी तक समझ नहीं आया कि झारखंड बॉर्डर आया कि नहीं, पता तो लगा नहीं हमें। सीनिक हो गया ना, मस्त हो गया रास्ता, बस गर्मी है और तो रास्ता सीनिक है ही है काफी। प्रॉपर जंगल वाला पैच आ गया, इतने ग्रीन पेड़ पता नहीं कैसे हैं गर्मी में। हमारे यहाँ तो ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ तो डार्क ग्रीन से हो जाते हैं यार, इतने लाइट ग्रीन देख रहे हो बिना बारिश के, बहुत डिफरेंस है भाई, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं ये। चकाई 11 किलोमीटर है, चकाई बोल गया ये। अब इन दोनों कार्स को दो कार्स का है, ये दो कार्स का है, एक ही तो कार है। नहीं नहीं स्कॉर्पियो खूब है भाई, खूब बिहार में लोगों ने खरीदी है। कॉपी को स्कॉर्पियो एंड भाई ये गाड़ी का हाल, टाटा सेफ्टी बोल लो भाई टाटा की, लेकिन बोलते हैं ना लोग सेफ्टी है टाटा की, बट ऐसे एक्सीडेंट हो जाए तो देखो क्या भयंकर एक्सीडेंट हो रखा है, पता नहीं पेड़ में मारी है क्या ही किया भाई, बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट। एयरबैग्स वगैरह सब डिप्लॉय हो चुके थे। देखो क्या नजारे हैं, हल्की हल्की ड्रिजलिंग शुरू हो गई। बाकी हम भाई झारखंड में एंटर कर चुके हैं, ऐसा कुछ बॉर्डर तो आया नहीं हमें दिखा नहीं, बट पीछे पुलिस ने हमारी चेकिंग ज़रूर करी थी तो देखने लग गए गाड़ी भाई क्या कुछ लेके जा रहे हैं, इलेक्शन का टाइम है। फिर पूछने लग गए कि भाई कहाँ से आ रहे हो, दिल्ली से,
फर्स्ट टाइम आ रहे हो, थोड़े से हैरान से थे कि भाई इतनी दूर, बट बढ़िया थे पुलिस वाले, कुछ ज़्यादा कुछ परेशान किया नहीं। बाकी भाई मज़ेदार मौसम हो रखा है यहाँ तो, हल्की हल्की बिल्कुल माइन्यूट सी बिल्कुल हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हो रखी है। और बस 14 किलोमीटर में अपन देवघर में अपने होटल में होंगे। बहुत ही तगड़ा सीनिक रास्ता है भाई, और रोड बहुत ज़बरदस्त बना हुआ, बहुत ज़बरदस्त, और ग्रीनरी तो आप देख ही रहे हो क्या है। देख लो पूर्वी देवघर की गलियां, सड़कें, मार्केट। ठीक 4:30 बजे हम लोग देवघर पहुंच गए, 6 बजे के आसपास निकले थे। गूगल ने जितना टाइम बताया था 9:30 घंटे, उतना ही टाइम लगाया अपने को। ये देखो सामने बकरी को कैसे लेके जा रहे हैं, स्कूटर पे बांध, बाइक पे बांध के बोरी में लपेट रखा है बेचारा। वहाँ पे भी एक और है, दो है, एक आगे, दो है। भीड़ भी बढ़ गई भाई एकदम से। अब गलियों के अंदर अपना होटल यहाँ से दिखा रहा है राइट 60 मीटर से। ये सड़क तो काफी चौड़ी लग रही है। ये जी बैद्यनाथ की पावन नगरी में आपका स्वागत है। ये सामने जो दिख रही है बिल्डिंग बड़े वाली, गीतांजलि इंटरनेशनल। चलो चेक इन करते हैं भाई, 4:45 हो गए। देखो 488 किलोमीटर्स हो गए अपने, और माइलेज अगर देखे ना 12 की भी नहीं दी होगी आज तो, 11.3, क्योंकि भाई रोड ही ऐसा था, काफी कटवट मार के निकाल के लाए हैं। चलो चलते हैं, पहले चेक इन कर लेते हैं, फोर दे देते हैं भाई। ये अपना रूम है, डिसेंट साइज है, एकदम नीट एंड क्लीन। और ये अपना वॉशरूम छोटा है वैसे, बट भाई यहाँ ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। ये पहली बात तो नीट एंड क्लीन बिल्कुल भी नहीं है, मैं अभी इसमें टॉयलेट करके आया हूँ। गंदे काम नहीं कर रहे, ये शावर बहुत नीचे लगा है भाई। चलो कोई नहीं, वैसे रूम बड़ा